नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की भागलपुर पदापरण होते ही भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट पहुंचे और वहां के आश्रम के आचार्य और साधु संतों से मिलकर कई बिंदुओं पर संवाद किया। उन्होंने सबसे पहले महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और संत सेवी महाराज के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि किया। फिर संत मत सत्संग भगवत प्रसाद में आकर आश्रम के आचार्य व साधु संतों के साथ संबोधन कार्यक्रम में भाग लिया। उस दौरान महर्षि में ही पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म महर्षि में ही एक व्यक्तित्व एक विचार का लुक आउट जारी किया। इस फिल्म के बने 5 मिनट के शॉर्ट को भी दिखाया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद आज ही वह अपने काफिले के साथ पटना के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम के दौरान कुप्पाघाट परिसर में आज अनुयायियों के लिए प्रवेश वर्जित था। उन्होंने कहा कि महर्षि में ही पर बनी फिल्म काफ़ी रोचक है और इस फिल्म में महर्षि में ही के ही जीवन शैली को दर्शाया गया है, इसे लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो इसको निभाने के लिए ऐसा जीवन अपने सामने है, जिन्होंने ये फिल्म का निर्माण किया है उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, औपचारिकता के नाते नहीं। तो फिल्मों में से अनेक बातें समाज में पहुंचती है, गड़बड़ बातें भी पहुंचती है, अच्छी बातें भी पहुंचती है। तो आपने, मैं समझता हूं कि मुंबई में आपने नए शुरू किया तो नए ही होंगे आपके, तो अपने नए करने एक तरह से अपने करियर का मुहूर्त आपने इतने अच्छे विषय से किया है जो स्मरण करने से हम पवित्र होते हैं और जिसके समाज में प्रचलित होने से समाज ठीक ठाक बनता है। तो सभी फिल्म वाले इनका अगर अनुकरण करें तो धरती स्वर्ग बन जाए। इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सांसदों के संसद से निलंबन को लोकतंत्र की हत्या कहते हुए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी माले के अलावा कई पार्टियों ने भागलपुर के समाहरणालय स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही 146 सांसदों को निलंबन करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था, सांसदों का संसद से इस तरह निलंबन लोकतंत्र की हत्या है। मोदी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए यह काम किया है, यह कहीं से सही नहीं है। इसका जवाब जनता 2024 और 25 के चुनाव में देगी। गठबंधन की ओर से किया गया है, जो विगत दिनों में संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो है जो घटना घटी, उसके विरोध में जो विपक्ष के सांसद थे उन्होंने जब आवाज़ उठाई, संविधान के तहत आवाज़ उठाई, तो ये निरंकुश सरकार जो है, जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने उल्टा जो है न्याय को जो है क्या देंगे कि उन्हीं को निलंबन का जो है काम किया, 142 को निलंबन किया और उसके बाद रात में कल न्यूज़ आया 4 और का, यानी 148 का जो है निलंबन हो चुका है। जिस जो राष्ट्र का जो है मंदिर है, जो प्रजातंत्र का मंदिर है, जिसको हम जो है संसद भवन कहते हैं, वो संसद जब सेफ नहीं है, जो दो आदमी के द्वारा जो है वहाँ पे जो है जो घटना घटी जो है वो कितनी शर्मनाक घटना थी। जब संसद सेफ नहीं है तो क्या भारत सेफ रह सकता है इन जो है के हाथों में। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने के लिए सभी दलों को इकट्ठा किया, वही उन्होंने लगातार बैठक भी करवाई, लेकिन अब जो बात प्रधानमंत्री को लेकर उठ रही है यह नहीं उठना चाहिए था। वही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की महंगाई तो देख कर लोगों ने कांग्रेस को हटाया और भाजपा को लाया था, लेकिन फिर से अब कांग्रेस को लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार में ही नहीं पूरे देश में लोग जानते हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को कौन जानता है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस विश्वास करने के लायक नहीं है और जनता भी कांग्रेस पर विश्वास नहीं करेगी। नीतीश कुमार ने किया है इंडिया आज इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया, सारे लीडरों को जितना क्षेत्रीय लीडर था सबको इकट्ठा किया, बार बार बैठक करवाने का कोशिश किया और बैठक हुई। अब जहाँ तक सवाल है ये सब जो बात उठती है तो ये बात नहीं उठना चाहिए, ये जो उठ रही है अभी तो इनका नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है, इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। खड़गे जी का नाम देखिए, खड़गे एक तो हम एक ही बात कहते हैं, कांग्रेस के खिलाफ में लोगों ने, आम पब्लिक ने, इसलिए महंगाई था, महंगाई के खिलाफ में ये भाजपा को लाया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, फिर उसका कहीं पहचान है? जो धंधा करते आया वही धंधा करेगा वो? विश्वास वैसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस पर विश्वास रखने लायक है ही नहीं, उनके ही विरोध में भाजपा को लाया गया। गंगोत्री जागरण मंच भागलपुर इकाई द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन आज जिला मुख्यालय भागलपुर के प्रदर्शन स्थल पर किया गया, जिसमें सैकड़ों गंगोता जाति के लोग इकट्ठा होकर अपनी जाति को ऐसी जाति में डालने के लिए अपनी मांगों का हल्ला बोल प्रदर्शन करते दिखे। उन्होंने कहा हमें जल्द से जल्द ऐसे कोटा में डाला जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम लोग गरीब रेखा से नीचे हैं और हम लोगों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वह आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हम लोग अपनी मांगों को लेकर आज धरना पर बैठे हैं। हम लोग गंगोत्री जागरण मंच के बैनर तले धरना दिए हैं। माननीय बिहार सरकार जो है कि यहाँ से सर्वेक्षण करा के अनुग्रह नारायण संस्थान को मिला था सर्वेक्षण करने के लिए, गंगोता जाति को सर्वेक्षण करा के एसटी में शामिल करने के लिए बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को भेजा और केंद्र सरकार वहाँ जो है कि पता नहीं किस कारण फिर वापस कर दिया फिर से अनुमोदन कराने के लिए। और हम केंद्र सरकार के विरोध में हैं कि जब तक हम लोगों को गंगोता जाति को एसटी में नहीं देता है तो चरणबद्ध हम लोग सड़क पर उतरेंगे और उतरते आए हैं। प्रखंड से लेके प्रदेश तक हम लोगों ने धरना दिया है। आगामी हम लोगों ने जनवरी में सोच रहे हैं कि केंद्र सरकार का घेराव करेंगे, वहाँ जंतर मंतर पर धरना देंगे जब तक हम लोगों को गंगोता जाति को एसटी में नहीं देता। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।